हाय अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ। मेरा नाम साइमा अली खान है। डेली लाइफ में आज मैं एक और रेस्टोरेंट आई हूँ, यहाँ का रिव्यू दूंगी, दिखाऊंगी कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट है और क्या क्या खाऊंगी। बहुत ठंड हो रही है, बहुत मजे की ठंड हो रही है, मुझे थोड़ा सा फ्लू भी हुआ हुआ है तो इंजॉय करने आई हूँ। फिर भी सूप पियेंगे, कॉफी पियेंगे, बहुत मजे मजे की चीजें खाएंगे इंशाल्लाह ताला। स्टार्ट करते हैं जयान की। सबसे पहले मैं जयान की जगह पे जाऊंगी जहाँ पे जयान को मजा आएगा, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर झूले वगैरह हैं, जयान को लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये जो है ये आउटडोर हैं और इनडोर भी हैं, जंपिंग भी है यहाँ पर, स्लाइड भी है, स्विंग भी है। और ये इस तरफ आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये इंडोर है, ये देखें ये सारा, और इंडोर में काफी कुछ है। जंपिंग कैसल भी है, ये भी है, हेलो जन्नत, से हाय हाय। और ये मेरी बहन की बेटी है, प्यारी सी डॉल है, ये तो पूरी पूरी डॉल है। मजू वाला, ये मजू में भी बैठा है। और ये है बाकी सब कुछ, आउटडोर है ये, सर्दियों की वजह से इंडोर भी बनाया हुआ है बहुत अच्छा सा। और इसके अलावा मैं लोकेशन दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से यहाँ पर तख्त वक्त बिछे हुए हैं और खूबसूरत सा सजा हुआ है, बलून्स लगे हुए हैं न्यू ईयर की वजह से, और बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिस पर मैच चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत खूबसूरत सा व्यू है। ये एक एरिया है इनका वाटर पार्क का, मैं इस तरफ जा रही हूँ। और ये इतना माशाल्लाह से बड़ा है, काफ़ी उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और हम जा रहे हैं इस तरफ। तो जो वाटर पार्क वाला एरिया काफ़ी ह्यूज है और खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी बंद किया हुआ है, एक तो सर्दियों की वजह से और दूसरा रात भी हो रही है। तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, उस तरफ हॉल है काफ़ी बड़ा सा और ये स्लाइड्स हैं जो कि अभी अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रही। चल, और ये देखो, देखिए यहाँ पर ये पूल है, एक वो पूल है, ये है और एक उस तरफ है, और ये स्लाइड्स हैं दिन में आती, और वो बड़ी सी स्लाइड्स हैं, उस तरफ फूड कोर्ट है पूरा यहाँ के एरिया के लिए। तो काफ़ी माशाल्लाह से ह्यूज है, खूबसूरत है बहुत, दिन में आती तो और अच्छा लगता। और बहुत ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, आइए जैन चले और अब मैं आप लोग को फूड दिखाऊंगी। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया है कॉर्न सूप और ये इसके साथ क्रैकर्स और स्पेशल सूप। स्पेशल सूप बहुत ज़बरदस्त होता है, ये चिकन ढाका बच्चों के लिए, फ्राइज एंड चिकन ढाका, ये भी बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और केक के साथ, बच्चे थे, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा शोर था इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वरना और मज़ा आता। और केक भी बहुत मज़े का था। और ये मेरा गुड्डा जो कि इस वक्त शेरू बना हुआ है। और जो सरप्राइज था वो ये है कि हमने बकरा ऑर्डर किया था और मटन बहुत ही लजीज, इतना लजीज कि मैं बता नहीं सकती। इसका जो गोश्त था बिल्कुल मलाई जैसा गोश्त था, मलाई जैसा, मतलब आप हाथ लगाओ और हाथ में निकलता निकलता आपके हाथ में आ रहा था, लाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी जिसकी वजह से सही नज़र नहीं आ रहा, हड्डियाँ देखें खुद ब खुद अलग हो गई हैं सारी। और इसके अंदर राइस थे, राइस के अंदर बड़े बड़े एग्स थे,
तो बहुत मज़े का, मतलब देखते ही मुंह में पानी आ रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और यकीनन पानी आ रहा है ना मुंह में रिकॉर्डिंग करते हुए मेरे भी पानी आ रहा है। तो ये अब ये लास्ट का सीन मैं दिखा रही हूँ, और दिखा रही हूँ कि अब इसमें बचा क्या है, हड्डियाँ गुड्डियाँ। और ये मेरा दिखाने का मकसद ये है कि ये इतना मेल्ट था, इतना मेल्ट कि हड्डियाँ खुद ही अलग हो गई थी। और ये देखें, और ये देखें, ओए होए होए होए, ये मेरी सास को पसंद है। इसे क्या कहती थी, आंटी आंटी आई मिस यू, बहुत मिस किया मैंने अपने शौहर को और आंटी को। और मुझे याद नहीं आ रहा आंटी क्या कहती थी। लास्ट में जो है वो है चाय का मज़ा, चाय ना हो तो किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आता, और वैसे भी ठंड है तो बहुत ही मज़ा आया चाय का। तो ये अब मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ, और एक और पोर्शन है जो कि मैं दिखा नहीं सकी, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरे मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।